थोड़े बहुत रास्ते खुले थे, सब धीरे धीरे बंद होते जा रहे थे। मैं अभी बहुत ही बुरी तरह फंसा हुआ हूँ, बहुत ज्यादा बुरी तरह। इतनी लंबी इतनी बुरी जर्नी मेरी लाइफ में आज तक कभी नहीं हुई है। कुछ नहीं पता आगे क्या होने वाला है, सब कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। देख लो कितना ज्यादा क्योटिक हो चुका है इस समय ये एरिया। हे गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। मेरा नाम है तोरवशु, अभी मैं हूँ माली के कैपिटल बमाको में। और आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा होगा कि मैं माली में बुरी तरीके से फंस चुका हूँ। मैं इस कंट्री से बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ। जिस कंट्री का रास्ता खुला है वहाँ का वीज़ा चाहिए, और जिस कंट्री का वीज़ा नहीं चाहिए वहाँ का रास्ता बंद है। तो कल रात में मैंने काफ़ी रिसर्च किया इसके बारे में, और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, मैं एम्बेसी जा रहा हूँ। सेनेगल के एम्बेसी जाना है, गिनी के एम्बेसी जाना है, एक दो एम्बेसी और जाता हूँ, देखता हूँ कहाँ मैं जा पाता हूँ, क्या सॉल्यूशन निकल पाता है। बाहर निकल के मैं मोटो लूँगा, और मेरे पास ऑलमोस्ट सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, तो सबसे पहले मैं ATM जाऊँगा पैसे विड्रॉल करने। यहाँ पास पे ही कारापोर पे चौराहे पे 2-3 अलग अलग बैंक के ATM है। आई होप यहाँ मॉरिटानिया जैसी प्रॉब्लम ना हो और पैसे निकल आए। बोंजो दावा। सो गाइस, कल रात में काफ़ी रिसर्च करने के बाद मेरे को पता चला वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ का एक अपना इनका खुद का पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक बॉडी है या ब्लॉक है, जिसका नाम है इकोवास। ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ के 15 कंट्रीज़ का कंबाइंड एक फोरम है या ब्लॉक आप बोल सकते हो। इकोवास का फुल फॉर्म है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। तो इकोवास ने माली, बुर्किना फासो एंड गिनी के ऊपर, गिनी भी नेबरिंग कंट्री है, सैंक्शन लगाए हुए हैं। क्योंकि ये इंटरनेशनल सैंक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पे इंटरनेशनल कार्ड वगैरह काम करते हैं, ये रीजनल सैंक्शन है। इस रीजनल सैंक्शन की वजह से ना माली के ऊपर कई नेबरिंग कंट्रीज़ ने अपने लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग और कॉमर्स वगैरह सब कुछ बंद कर दिया है। ईयर 2020 पे यहाँ पे लास्ट मिलिट्री कोप हुआ था, तब से यहाँ पर डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट खत्म हो चुकी है। यहाँ पे मिलिट्री जनता का रूल है, उनका ही यहाँ पे प्रेसिडेंट है। सेम हाल बुर्किना फासो का भी है, गिनी का भी कुछ ऐसा ही है, मिलता जुलता हाल है। वहाँ पर भी रिसेंटली मिलिट्री कूप हुआ है। यहाँ पे यार मिलिट्री कूप बहुत ज़्यादा होते हैं। अब मैं घर के बाहर आ चुका हूँ, ये गेट है, वहाँ पर चौराहा है, वहाँ पे 2-3 ATM पहले पैसे निकाल लूँ, फिर मोटो टैक्सी लेके जाता हूँ सेनेगल एम्बेसी। आई होप आज कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आया यार। देखो भाई, कुछ ऐसा माहौल है माली के नॉर्मल रोड का, मैं आज पहली बार नॉर्मल चलते हुए यहाँ पे व्लॉगिंग कर रहा हूँ। बोंजो, देखो भाई, दो दो टोंकी कार, उसके पीछे इतनी महंगी लग्जरी कार। सो गाइज, वेलकम बैक अगेन। तो इसके पहले की वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मेरे को कुछ एम्बेसीज जाना था, तो मैं घर से बाहर निकला था। सबसे पहले मैं ATM गया, तो मैंने ATM से 1.5 लाख सेफा निकाले, लगभग 18,800 लगे। मैंने नियो कार्ड यूज़ किया, मेरा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कटा इसमें। आप ये कुछ करेंसीज देख सकते हो, सेफा यहाँ की लोकल करेंसी है, और सारी नोट 10,000 की निकली थी, टोटल 15 नोट निकली। तो सेनेगल एम्बेसी जाने के बाद यार कुछ भी सोल्यूशन निकला नहीं मेरा। उसके बाद फिर मैं गिनी एम्बेसी गया, तो गिनी एम्बेसी ने बोला कि गिनी अब स्टिकर वीज़ा देना बंद कर चुका है, आप सिर्फ ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है, ई वीज़ा अप्लाई कर लेते हैं, और उसके बाद मैं बस लेके बमाको से जा सकता हूँ। गिनी का नहीं का इंडियन पासपोर्ट होल्डर एंड पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर ई वीज़ा से लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग नहीं कर सकते। थोड़े बहुत रास्ते खुले थे, सब धीरे धीरे बंद होते जा रहे थे। तो ये कल की बात थी, तो कल कोई सोल्यूशन निकला नहीं। इतना कुछ करने के बाद मेरे को सेनेगल में कुछ लोग मेरे कॉन्टैक्ट में हैं, बोल रहे हैं कुछ न्यूज़ आ रही है, मे बी शायद बॉर्डर ओपन हुआ हो। तो आज मॉर्निंग में मैं फिर सेनेगल एम्बेसी गया, तो सेनेगल वालों ने बोला कि कुछ मीटिंग वगैरह हुई है, और माली का बॉर्डर सेनेगल के साथ टेम्प्रेरी ओपन होने का, परमानेंट नहीं, कुछ टाइम के लिए ओपन होने का बात चल रही है, और थोड़ी देर में ऑफिशियल, जैसे ही ऑफिशियल आएगा हम लोग सब जगह डाल देंगे, तो आप लोग क्रॉस कर सकते हो। तो मैं थोड़ी टाइम वहीं पर ही था, तभी उन्होंने मेरे को फिर से बुलाया, और उन्होंने बोला कि ऑफिशियल कन्फर्मेशन आ चुका है, और कुछ टाइम के लिए टेम्प्रेरी माली एंड सेनेगल का बॉर्डर ओपन हो चुका है। यार मेरे को इतनी खुशी हुई उस मोमेंट पे, आज सुबह की बात है, सुबह 11 बजे की बात है, अभी शाम के 4 बज रहे हैं, और उन्होंने बोला देर मत करो, फटाफट क्रॉस कर जाओ आज या कल में या एक दो दिन के अंदर, नहीं तो कभी भी बंद हो सकता है, कुछ भरोसा नहीं है। मेरे मन में आया 12 बज रहा है यार, बस जाती है अराउंड 5-6 बजे के आसपास। मैं फटाफट सेम बस कंपनी अफ्रीका टूर गया, बमाको से सेनेगल के बॉर्डर तक का, 8,000 सेफा यानी कि 1,000 रुपये। अभी कुछ श्योर नहीं हूँ, अभी आगे कुछ भी हो सकता है, बट थोड़ी सी उम्मीद जगी है कि मेरे को बॉर्डर क्रॉस करने दिया जाएगा। फिर से मैं 16 घंटे की बस राइड करने वाला हूँ, बहुत ही अनकंफर्टेबल बस जर्नी, और लेग स्पेस 0, आप लोगों को मैंने बताया था। रास्ते तो भाई रोड ही नहीं है, कुछ किलोमीटर के बाद रोड ही नहीं है, पूरे रास्ते बस चलती रहती है। आज भी उन्होंने बोला है कि बस 5 बजे की है, तो आप 5 बजे के पहले पहुँच जाना।
तो अभी 4 बज रहा है, मैं थोड़ी देर में निकलने वाला हूँ मोटो लेके स्टेशन के लिए। हर बार की तरह फिर से आधी रात को पुलिस वाले पूरी बस को रोकेंगे, सबका लगेज चेक किया जाएगा, पासपोर्ट चेक किया जाएगा, पैसे मांगे जाएंगे। इतना तो मैं अब सीख गया, उतना जान गया, उतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ चुका है। ऑल दो इनके पास बड़ी बड़ी ड्रामी राइफल होती है, मगर आप अगर सही हो, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट है, तो भाई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे लड़ जाओ। इंडिया से निकलने से पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ये वेस्ट अफ्रीका की जर्नी इतनी एडवेंचरस होने वाली है। जो कुक है अब्दुल्ला है और साथ में वुमेन है, इनको नहीं पता भी कि मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ही अनफानंद में अभी 2-3 घंटे पहले ही मैंने बस की टिकट बुक करी है, और ये दोबारे में लोग थे नहीं, तो इनको बताने जा रहा हूँ, देखता हूँ कैसा रिएक्शन रहता है। अब्दुल्ला है, आई एम गोइंग। वेयर गोइंग? टुडे। यस। व्हाई? बॉर्डर ओपन। ऑल ओके। या यू टेक टिकट? या फ्रॉम बमाको टू बॉर्डर। बॉर्डर? या आई एम गोइंग किदिरा। या कीप दिस मनी 2000 यू 2000। ओके ओके। व्हाट सरनेम? आई फॉरगेट। अजरतु। ओके थैंक यू मर्सी। तो भाई फाइनली अब निकलने का टाइम हो चुका है। अब्दुल्ला ओके आई एम गोइंग नाउ। ओके ओके थैंक यू। बाय 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 बाय। थैंक यू। बाय बाय। मर्सी बुकू। या यू कम बैक नो। बाय बाय बाय। हां यू कम बैक। आई होप। ओके ओके ओके। बाय बाय। थैंक यू। दोपहर के 4:30 बज रहे हैं और बहुत तेज धूप है अभी, दोपहर शाम जो भी बोलो। तो जा रहा हूँ मेन रोड पे मोटो करने, और ये आज जो नोटिफिकेशन मिला है बॉर्डर ओपन होने का, यही अगर यार 2-3 दिन पहले हुआ होता, ये दिन में मुर्गे कहाँ बोल रहे हैं, तो मेरे को वापस लाना पड़ता। तो वही मुर्गे यहाँ पे हैं गेट के बाहर। कैमरा बंद करता हूँ, मिलता हूँ फिर। आई डोंट नो, मे बी कहीं रास्ते में या मे बी सेनेगल में। हे गाइस, वेलकम टू द व्लॉग अगेन। और आप लोगों ने देखा कि लास्ट टाइम मैं बमाको से शाम को 5 बजे की बस लेके बॉर्डर के लिए निकल चुका था। बस यार इतनी धीमे चल रही थी, पूरा रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब था। बस ने लिया 20 घंटे बॉर्डर पहुंचने के, लगभग 600 से 700 किलोमीटर के रास्ते में। कई बार तो बस यार इतनी टिल्ट हो जा रही थी, 45 डिग्री तक बस टिल्ट हो जा रही थी, हम लोग को लग रहा था कि कहीं बस पलट ना जाए। अभी यार एक गुड न्यूज़ भी है और एक बैड न्यूज़ भी है। मैं अभी बहुत ही बुरी तरह फंसा हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा बुरी तरह। बैड न्यूज़ ये है और गुड न्यूज़ ये है कि फाइनली मेरा माली एंड सेनेगल बॉर्डर क्रॉसिंग सक्सेसफुली हो चुकी है। जी हाँ, सो फाइनली गाइस वेलकम टू सेनेगल। अभी मैं सेनेगल के अंदर हूँ, मेरा माली का भी एग्जिट स्टैम्प लग चुका है पासपोर्ट पे, और सेनेगल का भी एंट्री स्टैम्प लग चुका है पासपोर्ट पे। इंडियन पासपोर्ट होल्डर को सेनेगल में एंट्री करने के लिए फॉर टूरिज्म पर्पस कोई भी वीज़ा नहीं चाहिए, और इमिग्रेशन ऑफिसर ने बोला कि अप टू 90 डेज 3 महीने तक मैं सेनेगल में रह सकता हूँ विदाउट एनी वीज़ा। आप देख सकते हो अभी मैं बस में हूँ, ये बस है कुछ ऐसी, ये सेनेगल की बस है। तो गाइस ये देखो, ये सेनेगल का चेक पोस्ट है, सेनेगल का बॉर्डर है, ये दो बड़े बड़े बैरियर लगे हुए हैं, और ये यहाँ पर आप दिख रहा है ये इमिग्रेशन ऑफिस है सेनेगल का। और मेरे पीछे साइड यहाँ पर माली का चेक पोस्ट है, माली का बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर, देख लो, लग ही नहीं रहा कि इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो टेक्निकली मेरे को बमाको से निकले आज 3रा दिन है। जी हाँ, मैं परसों शाम को 6 बजे बमाको से निकल चुका था, 1 से 1.5 घंटे में बॉर्डर क्रॉसिंग मेरी हो गई। माली वालों ने सेम 10,000 मेरे से मांगा, नो मैंस लैंड यहाँ पर है, वो एक रिवर एक्चुअली, वो मैंने चल के क्रॉस किया। उसके बाद मैं सेनेगल में आया, सेनेगल वालों ने भी मेरे से 5,000 सेफा मांगा, डिमांड किया। मैंने बोला कि बॉर्डर लीगली ओपन हो चुका है, जो एम्बेसडर है सेनेगल के, सेनेगल एम्बेसी में, उन्होंने मेरे से बोला है कि 1 रुपया भी किसी को नहीं देना है। काफी समझाने के बाद समझ गया वो, अच्छा ठीक है जाओ। अगले क्रॉसिंग पे आया, मेरे को समझ गया कि भाई ये तो वही बंदा है। उन्होंने मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं किया, कोई पैसा नहीं मांगा, और मेरा तुरंत पासपोर्ट पे सेनेगल का एंट्री स्टैम्प दे दिया, बोला वेलकम टू सेनेगल। लगभग करते करते शाम के 4 बज चुके थे, मैं 2 बजे पहुंच चुका था बॉर्डर पे, तो सामने ये बस खड़ी थी। ये बस यहाँ से डायरेक्ट दाकर जाती है, यहाँ के कैपिटल, इस बॉर्डर से दाकर जो कैपिटल है लगभग 800 किलोमीटर है, 800। तो मैंने बस वालों से पूछा कि भाई बस कितनी देर में चलेगी, तो बस वालों ने बोला कि अभी शाम के 4 बज रहे हैं, 6-7 बजे के आसपास बॉर्डर क्रॉसिंग बंद हो जाएगी, जब सारे लोग आ जाएंगे तो बस चल पड़ेगी। इन्होंने मेरे से यहाँ से दाकर जाने के 12,000 सेफा लिए हैं। तो मैं इनसे कुछ भी क्वेश्चन कर रहा हूँ, बस ये एक ही आंसर दे रहा है, गो एंड सिट। सामने यहाँ पे कई शॉप है छोटी छोटी, एक्चुअली ये विलेज है, तो छोटी छोटी कच्चे घर टाइप की, कच्ची शॉप टाइप की यहाँ पे दुकान है, हट वगैरह पे है काफी, और अचानक से बहुत
तेज तूफान आ गया, हर जगह धूल मिट्टी उड़ रही है। उसके बाद बारिश आ गई, इतनी तेज बारिश हो रही थी कि सब लोग यहाँ पे अंदर हो गए थे, बाहर कोई दिख नहीं रहा था। यहाँ पे लोग बोल रहे थे अपना फ़ोन वगैरह बंद कर दो, यहाँ पे बिजली वगैरह बहुत गिरती है, अब फ़ोन यूज़ करोगे तो बिजली गिर जाएगी। तो सब लोगों का यहाँ पे फ़ोन स्विच ऑफ करवा दिया गया एक घंटे के लिए। उसके बाद लगभग 7 बज गया, फिर मैं इनके पास आया, कुछ भी मैं इनसे पूछ रहा हूँ, बस कब चलेगी गोयनसेत, कितनी देर में चलेगी गोयनसेत, चलेगी कि नहीं चलेगी गोयनसेत, हर चीज़ का आंसर बस गोयनसेत, इसके अलावा कोई भी आंसर नहीं मिल रहा था। तो कुछ लोगों ने बोला कि भाई आज बस नहीं चलने वाली है क्योंकि बस फुल नहीं हुई है, जब तक बस पूरी फुल नहीं हो जाएगी, चाहे एक दिन हो जाए, दो दिन हो जाए, तीन दिन हो जाए, अराउंड 20 लोग के आसपास हो चुके हैं, अभी भी 30 लोग बचे हैं बस फुल होने में। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, तीसरा दिन है मेरे को बमाको से निकले, पहली रात मैं चलती बस में सोया, दूसरी रात कल इसमें स्टेशनरी बस में सोया, रुकी हुई बस में सोया, पूरी रात मच्छरों ने खा गया। ब्रो Good morning. Good morning. Bonjour. How was your night? My brother, mosquito finish us. Mosquito finish you, huh? Too much inside this motor. So many mosquitoes. No sleep. Okay. We hope today we go soon. Yeah, by the grace of God, we'll go. Okay. ये भाई नाइजीरिया से हैं। Yeah, I'm Nigeria. Okay. Thank you very much. इनका भी भाई सेम हाल है। इनको सिर्फ इंग्लिश आती है, इनको लोकल लैंग्वेज नहीं आती, इनको भी सेम मेरे तरह प्रॉब्लम हो रही है। इनफैक्ट ये वेस्ट अफ्रीका के ही हैं, नाइजीरिया के हैं, फिर भी इनकी लोकल लैंग्वेज अलग है। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और कोई भी उम्मीद नहीं लग रही बस चलने की, अभी भी बस सिर्फ आधी भरी है, पता नहीं भाई बस कब चलेगी। 20 घंटे बस सफ़र करके आया और लगभग 24 घंटे थोड़ी देर बाद हो जाएंगे मेरे को बॉर्डर पे वेट करते हुए। तो तीसरा दिन है आज, हमको लग रहा है मैं चौथा दिन दाकर पहुंचूंगा, चौथा दिन। इतनी लंबी इतनी बुरी जर्नी मेरी लाइफ में आज तक कभी नहीं हुई है। इनफैक्ट मैं मॉरिटानिया से बमाको भी आया था तो 40 आवर्स के अंदर पहुंच चुका था, इसमें भाई 3 दिन लग रहा है। आप लोग कभी 72 आवर की बस जर्नी करी है अपने लाइफ में? मेरी लाइफ की यार आई थिंक सबसे वर्स्ट वाटर क्रॉसिंग है ये, जो मेरे को इतना ज़्यादा वेट करना पड़ा है, 72 आवर। ओ माई गॉड, लोग बोल रहे हैं ये अफ्रीका है और अफ्रीकन स्टैंडर्ड से ये कॉमन है, ये नॉर्मल है। सो गाइस वंस अगेन फाइनली वेलकम टू अफ्रीका। तो भाई कुछ ऐसा सीन है बस के बाहर, माली और सेनेगल के बॉर्डर पे काफ़ी सारी दुकानें हैं, यहाँ पे छोटे मोटे कच्चे दुकानें बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, कुछ ऐसा ही है। थोड़े बहुत काम के सामान यहाँ मिल जा रहे हैं, बाकी यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है, ना कोई प्रोडक्ट, ना कोई सर्विस, नॉट इवन सिम कार्ड, यहाँ पे सिम कार्ड भी नहीं है। सावा अभी मैं बॉर्डर क्रॉसिंग से थोड़ा अंदर आया हूँ वॉक करके, यहाँ पे देखो कोई गांव वगैरह है ये, और कितनी ग्रीनरी है, कितनी ज्यादा ग्रीनरी यहाँ पे, पूरा सेनेगल ग्रीन है, शायद ट्रॉपिकल वेदर रहेगा यहाँ पे। कोई लोकल विलेज है यहाँ पे, देखो कच्चे यहाँ पे मकान बने हुए हैं, हट बने हुए हैं झोपड़े टाइप के, ये देखो बंजो, और यहाँ पर ये हैंडपम्प भी लगा हुआ है। टिपिकल गाँव है ये बॉर्डर पे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे। सावा That's life. Everything is a part of travel. कुछ नहीं पता आगे क्या होने वाला है, सब कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। तो भाई वापस जा रहा हूँ रोड की तरफ वॉक करके। बुंजो सवा सवा तो भाई लोकल शॉप है, लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हुए वन बुरू एंड ऑमलेट। तो भाई ये सैंडविच लिया हूँ बुरू में, मॉरिटानिया में भी इस ब्रेड को बुरू बोलते हैं, माली में भी और सेनेगल में भी बुरू है, साथ में चीज़ है और ऑमलेट वगैरह है। मेरे को लग रहा है यहाँ का नेशनल ब्रेकफास्ट है बुरू ऑमलेट एंड मेयोनीज। कॉफ़ी पीता हूँ, अभी भाई साहब बोल रहे हैं 12 बजे के आसपास बस निकलेगी। तो यार ये सैंडविच और कॉफ़ी का इन्होंने मेरे से 700 सेफा लिया, 100 रुपए से भी कम। तो आप देख रहे हो मैं 3-4 दिन से इन्हीं सब चीज़ों में फंसा हुआ हूँ और इन्हीं सब रीजंस की वजह से वीडियो लेट में आती है, कभी कभी वीडियो 1 हफ्ते लेट हो जाती है इसी वजह से, यार एडिटिंग हो नहीं पाती है। अभी ना लैपटॉप यूज़ कर पाऊँगा, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना कुछ है, फ़ोन पावर बैंक सब आउट ऑफ चार्ज होने वाला है, आउट ऑफ बैटरी होने वाला है। ट्रैवल के साथ साथ वीडियो एडिट करना अपलोड करना यार बहुत ही मुश्किल भरा काम है। सवा सवा भैया यहाँ पर बॉर्डर पे ना कुछ बाइक्स तो लोकल ब्रांड की हैं, बट काफ़ी सारी बाइक यहाँ पे इंडियन ब्रांड्स की चल रही हैं और ज़्यादातर बाइक यहाँ पे दो ही दिख रही हैं, या तो TVS स्टार या तो TVS की अपाचे, ये दोनों बाइक यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ये जो टाइम है, ये जो एक्सपीरियंस है, काफ़ी मुश्किल भरा है, काफ़ी टफ है, बट आई नो ये एक्सपीरियंस लाइफ टाइम याद रहने वाला है। माली और सेनेगल का करेंसी भी सेम है, टाइम जोन भी सेम है और इवन फ्लैग भी, माली में स्टार नहीं है और सेनेगल के फ्लैग में बीच में एक स्टार लगा हुआ है, क्योंकि यार ये दोनों कंट्री ना एक साथ इंडिपेंडेंट हुई थी फ्रांस से और कुछ महीनों के लिए सेमी कंट्री थी दोनों। और ये मैंने पानी लिया हुआ यार, दिल ड्रिक दोनों कंट्री में प्राइस सेम मेरे को लग रहा है, 500 सेफा यानी कि 40 रुपए में 1.5 लीटर पानी। तो भाई ये मिक्स फ्रूट जूस लिया हूँ मैं,
1000 सेफा का। सो गाइस अब अपडेट ये है, सुबह के 11 बज चुके हैं और फाइनली अब बस की बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। वो नंबर वाइज लोगों को बुलाया जा रहा है, काफी सारे लोग आ चुके हैं, सबका लगेज है, लगेज रखा जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में 2 घंटे के आसपास लगेंगे। कल हम लोग लगभग यहाँ पे 2 बजे के आसपास आए थे और लगभग 2 बजे के आसपास निकलेंगे, यानी कि 24 आवर वी स्टे हियर। या यू नो गो टुडे यू गो भाई मर जाएंगे फिर भी। भाई डोंट गो टुडे आई विल डाई। नो 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 डाई। देख लो कितना ज्यादा क्योटिक हो चुका है इस समय ये एरिया, कितनी सारी गाड़ियां हैं, कितनी सारी बकरियां हैं, कितने सारे लोग हो चुके हैं। देखो ऊपर बकरियां नीचे लोग। सो भाई नंबर वाइज एक एक करके बुलाया जा रहा है सबका, यहाँ पे नाम और नंबर लिखा हुआ है। मेरा अभी काफी देर के बाद आएगा। नो तो दू हाँ अब्दुरंजन येलो ओके नो ठीक है मिलेगी यो यो कैसे ठीक है मामला आ गया मैंने आर से ना को पारे सुना तू समझ तो आते जा सर फिर आर से ना सर तू पापा चलो चलो सो गाइस फाइनली 24 घंटे के बाद बस के अंदर आ चुका हूँ और बस अब शायद 15-20 मिनट या आधे घंटे में चलने वाली है। बस के अंदर बहुत शोर शराबा है, लोग चिल्ला रहे हैं, जगह के लिए लड़ रहे हैं, सामान के लिए लड़ रहे हैं, बहुत क्योटिक है, लोग जानवरों की तरह लड़ रहे हैं सीट के लिए। बस खाली है, लोग आधे ज्यादा बाहर खड़े हैं, फिर भी मेरे को यहाँ बैठना है, मेरे को वहाँ बैठना है, ऑलरेडी सीट असाइंड है पहले से ही, फिर भी। सो गाइस लगभग 2 बजे फाइनली बस निकली बॉर्डर से और अभी 5 बज रहे हैं। बॉर्डर के बाद ये पहला टाउन है केदगू, हम लोग केदगू पहुंचे हैं। 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस बस ने 3 घंटे में कंप्लीट किया है। टोटल डिस्टेंस 800 किलोमीटर का है दाकर तक का, अभी भी 700 किलोमीटर बाकी है। रास्ता बहुत ज्यादा खराब था, लोग देखे हो गया, लोग देख सकते हो पूरे रास्ते में बड़े बड़े पोथोल्स थे। तो यहाँ जहाँ पे बस रुकी है ना, यहाँ पे एक छोटा सा कुछ सुपरमार्केट टाइप का है। तो मैंने इतना सामान लिया है, ये वनीला फ्लेवर्ड योगर्ट है, ये 2 ले लिया है मैंने। इसके अलावा ये केक लिया हुआ हूँ खाने के लिए। ये जो टाउन है केदगू, जैसे ही हम लोग यहाँ पे एंट्री किए ना, तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे TVS का शोरूम था, बड़ा सा लिखा हुआ था TVS सेनेगल, और TVS की काफ़ी सारी बाइक्स वगैरह शोरूम में खड़ी थी। भाई बाहर किधर से जाऊँ, इधर से कि इधर से, इन लोग बस के अंदर ना 1 इंच भी नहीं छोड़े हैं कि जो खाली हो, दोनों साइड के लोग फुल ही हैं। यहाँ रास्ते में भी लोग बैठे हुए हैं, लोगों ने स्टूल वगैरह बाल्टी वगैरह लगा दी है। सो गाइस अभी रात के 10 बज रहे हैं, हम लोग बॉर्डर से दाकर तक का आधा डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। नो तू दू यूसुफा यहाँ की लैंग्वेज में व्हाट इज योर नेम को बोलते हैं। नो तू दू से यूसुफा सही दी यूसुफा सही दी और तामा कौन था नो एक मॉरिटानिया जब से निकला हूँ, माली आया हूँ, सेनेगल आया हूँ, यहाँ पे जितने भी गैस स्टेशन है, पेट्रोल पंप है ना, सब में अटैच इस टाइप की ये सुपर मार्केट, मिनी सुपर मार्केट बोल सकते हो आप, आपको सारे यहाँ पेट्रोल पंप पे मिलेंगे। इस बस के नीचे के फ्लोर पे तो हम लोग बैठे हुए हैं, पर जो ऊपर का फ्लोर है ओपन एरिया, ओपन स्पेस, वहाँ पर सारी बकरियाँ बैठी हुई हैं। लोग बता रहे हैं कि सेनेगलीज जो है वो माली से बकरियाँ बहुत लेके आते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं माली से सेनेगल, माली में बकरियां बहुत सस्ती हैं। लगभग आधे घंटे के स्टॉपेज के बाद फाइनली बस यहां से चल रही है। अब आप लोगों को मैं मिलूंगा सीधे सेनेगल की कैपिटल दाकर में।